वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम पढ़ेंगे हॉटेल वोकैबुलरी और सेनेटरी हॉटेल से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में। सबसे पहला है विश्रामालय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हॉटेल। हॉटेल यानी कि विश्रामालय। यहाँ पे होते हैं दरबार, जिनका काम होता है दरवाजा खोलना या बंद करना, और इन्हें हम इंग्लिश में कहेंगे डोरमैन। डोरमैन यानी कि दरबार। जैसे ही हम होटल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें दिखाई देता है स्वागत कक्ष, जिसे कहते हैं रिसेप्शन। रिसेप्शन यानी कि स्वागत कक्ष। वहाँ पे देखेंगे स्वागतकर्ता, जिसे कहेंगे रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट यानी कि स्वागतकर्ता। अगला है प्रबंधक। होटल का जो प्रबंधक होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है मैनेजर। मैनेजर यानी कि प्रबंधक, जो मेहमानों का स्वागत करता है। तो मेहमानों को हम इंग्लिश में कहेंगे गेस्ट। गेस्ट यानी कि मेहमान। अगला है वाहनों को पार्क करने वाला सेवक, यानी कि मेहमान जो गाड़ियां लेके आते हैं या फिर मेहमानों की जो गाड़ी होती है उन्हें सही जगह पे पार्क करने वाला जो सेवक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है वैले। वैले मीन्स वाहनों को पार्क करने वाला सेवक। नाम दर्ज करना। होटल में जब भी हमें रूम चाहिए होता है तो सबसे पहले हमें हमारा नाम दर्ज करना होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है चेक इन। चेक इन यानी कि नाम दर्ज करना। नेक्स्ट इज लिफ्ट, और इसे इंग्लिश में भी लिफ्ट ही कहा जाता है। लिफ्ट, कई सारी मंजिलों के होटल में लिफ्ट का यूज होता है मेहमानों को ऊपर नीचे आने जाने के लिए, तो इसे हम कहेंगे लिफ्ट। जैसे ही हम नाम दर्ज करते हैं तो होता है होटल रूम, जिसे इंग्लिश में भी होटल रूम ही कहा जाता है। होटल रूम, और इसमें हमें है चाबी, और चाबी कार्ड को इंग्लिश में कहते हैं की कार्ड। की कार्ड, हर एक होटल रूम की अलग अलग चाबी होती है, और आजकल चाबी कार्ड का यूज होता है, यानी की कार्ड का यूज होता है, जो एक छोटा प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके द्वारा हम दरवाजा खोल सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं, और चाबी के स्थान पर इसका यूज होता है, तो इसे हम कहेंगे चाबी कार्ड मीन्स की कार्ड। होटल रूम में हमें मिलता है बिस्तर। बिस्तर मीन्स बेड। बेड मीन्स बिस्तर। नेक्स्ट इज तकिया, और तकिए को इंग्लिश में कहते हैं पिलो। पिलो यानी की तकिया। पिलो यानी है कंबल। कंबल को इंग्लिश में कहेंगे ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी कि कंबल। नेक्स्ट इज जमीन पर रखा जाने वाला दिया, इसे कहा जाता है फ्लोर लैम्प। फ्लोर लैम्प यानी कि जमीन पर रखा जाने वाला दिया। अगला है बहुदा कुर्सी, जो कई सारे रूम में होती है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं आर्म चेयर। आर्म चेयर यानी कि बहुदा कुर्सी। अगला है अंकुड़ा, हमारे कपड़े लटकाने के लिए वहाँ पे अंकुड़ा होता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं हैंगर। हैंगर यानी कि अंकुड़ा। इसी के साथ होता है दराज, जहाँ पे हम हमारा सामान रख सकते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है शेल्फ। शेल्फ यानी कि दराज। हमारा सामान हमारे रूम तक लेके जाने के लिए वहाँ पे होती है कूली, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पोर्टर। पोर्टर यानी कि कूली, या फिर सामान वाही नौकर को इंग्लिश में बेल बॉय भी कहते हैं। बेल बॉय, जो व्यक्ति विशेष रूप से किसी होटल में मेहमानों का सामान उठाने का काम करता है, उसे कहते हैं बेल बॉय। नेक्स्ट इज बख्शीश, जैसे कि कभी-कभी उनको बख्शीश देते हैं सामान उठाने के लिए, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है टिप। टिप यानी कि बख्शीश। नेक्स्ट इज नौकरानी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेड। मेड जो साफ सफाई का काम करता है, उसी के साथ होता है बावर्ची। बावर्ची यानी कि खाना बनाने वाला शेफ। शेफ, तो बावर्ची को हम इंग्लिश में कहेंगे शेफ। उसी के साथ वहाँ पे होते हैं कॉफी बनाने वाली व्यक्ति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बरिस्ता। बरिस्ता एक ऐसी व्यक्ति जिसका काम होता है विभिन्न प्रकार के कॉफी बनाना और परोसना, इसे हम कहेंगे बरिस्ता। उसी के साथ है महिला वेटर, जिन्हें कहा जाता है वेट्रेस। वेट्रेस यानी महिला वेटर। कई सारी होटलों में बुफेट होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बफेट। बफेट यानी कि बुफेट। नेक्स्ट है द
तरन ताल, कई सारे बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वहाँ पे हमें तरन ताल यानी कि स्विमिंग पूल भी दिखाई देते हैं। स्विमिंग पूल यानी कि तरन ताल। इसके साथ आजकल तो वाष्प स्थान वाले कक्ष भी मिलते हैं जिन्हें कहा जाता है सोना। सोना यानी कि वाष्प स्नान। महीन कागज का डिब्बा से इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू बॉक्स। टिश्यू बॉक्स। नेक्स्ट इज नहाने का चोगा से कहते हैं बाथरूम। बाथरूम मीन्स नहाने का चोगा। इसके साथ मिलता है साबुन। साबुन को इंग्लिश में कहेंगे सोप। सोप यानी कि साबुन। और केश मार्जन को इंग्लिश में कहा जाता है शैम्पू। शैम्पू मीन्स केश मार्जन। बोला है पखाने का कागज जिसे इंग्लिश में कहते हैं टॉयलेट पेपर। टॉयलेट पेपर यानी कि पखाने का कागज। सेकंड लास्ट है तौलिया। तौलिया यानी कि टॉवेल। टॉवेल तौलिया मीन्स टॉवेल। लास्ट है रक्षक। हर होटल का रक्षक होता है जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं गार्ड। गार्ड यानी कि रक्षक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।